हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आप लोग का आज के सेशन में। आज फिर से हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग के लिए, आईबीपीएस के लिए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ को तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी डेली वीडियो आते रहेंगे। आप अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो बताइए, पहला है डिजीज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी इज। लास्ट सेशन जिसने देखा होगा वो बता देगा इसका आंसर। इसका आंसर है खैरा डिजीज। ठीक है, चलिए अगला करते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कितना है। कितना है इसका आंसर है 1 केल्विन, 1 केल्विन पर ग्राम। चलिए अगला करते हैं। करनाल बंट इज कॉज बाय, किसके कारण होता है ये? होता है निवोसिया इंडिका के कारण। अगला करते हैं, सुगर केन इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसके इनफ्लोरेसेंस को? उसको बोलते हैं स्पाइक जेट। सॉयल एयर कंटेंस कितना है, पिछले सेशन में क्वेश्चन आया था ये, रिपीट क्वेश्चन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका क्या है 0.25। अगला करिए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पिछले बार भी आया था, मिथियोनीन। पिछले बार एक और अमीनो एसिड था वो था, इस बार मिथियोनीन ऑप्शन में, तो मिथियोनीन जाएगा। अगला करिए कि नॉन एडिबल प्लांट सुटेबल फॉर बायो डीजल, जेट्रोफा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, 12th में पढ़ा था। अगर आपने बायो लिया होगा तो आप ही जानते होंगे, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, न्यूज में रहता है एक प्लांट, आजकल बहुत न्यूज में है बायो डीजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी थोड़ा सेशन करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस हैविंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, किसका सबसे ज्यादा है बताइए? ये देखिए, इसने दे ही दिया है, कैल्शियम डाइऑक्साइड। यहाँ पे शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा CO2 होगा। ठीक है, वो सही कर लीजिएगा, यह CO2 है, कैल्शियम नहीं, CO2 है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला करिए, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, ये पहले सेशन, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए, वहां पे मैंने बता दिया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। अब आप बोलोगे सब ऑप्शन सेम ही है तो आंसर कैसे देखेंगे भाई? ये हेक्टेयर है, ये स्क्वायर किलोमीटर है, ये मिली स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इंडिया कितना बड़ा है इमेजिन करो, तो ये क्या है, मिलियन हेक्टेयर, मिलियंस में। इसका आंसर क्या होगा, मिलियन हेक्टेयर। कंट्री हैविंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस, किसका है, इंडिया का है, यूएसए का है, किसका है? दो ऑप्शन और है, दो ऑप्शन देख लेते हैं अभी, इंडोनेशिया का या चाइना का है, तो इसका आंसर क्या है, चाइना का है। चलिए अगला करिए कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ सुगर केन इन इंडिया इज इन, किस राज्य में है बताइए? किसमें है, तमिलनाडु में है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है ये, कम एरिया में लगा के ज्यादा उपज करना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। 1 घंटे में पढ़ के अगर आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन आप पूरे दिन पढ़ रहे हो और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। पंजाब की भी है पर शुगर केन में नहीं है। अब बताइए पंजाब किस में है, आप बताइए। अगला बताइए कि इंडिया में कल्टीवेटेड एरिया कितना है, फिर से दे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, ये पहले सेशन में आया था ये क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका आंसर क्या है, 143 मिलियन हेक्टेयर। अगला बताइए कि ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मैक्सिमम कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड इज, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड की पूछ रहा है ये, किसका है? सोयाबीन का है। बताइए जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 23%, और ये धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है,
वर्टिसोल किससे रिलेटेड है बताइए? ब्लैक सॉइल से। इसको शायद रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। शायद ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, वर्टिसोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। अगला देखते हैं कि द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डाटा सेट इज, बताइए। रेंज। ठीक है, 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, उसको सीखिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ओनली जीके ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए, ये मैंने बताया था पिछले सेशन में ही कि आपको रटना पड़ेगा एग्रोक्लाइमेटिक जोन। जहां ये देखिए, आपको दिमाग में चमकना चाहिए। चमका कहीं, चमका चमका तो ठीक है। इसका आंसर है 15। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? इसका दिया था लेबेग ने। मैंने पिछले सेशन में आपको बोला था कि आप सारे साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, अब से जब भी लॉ ऑफ मिनिमम दिखे आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? लेबेग, लीबिग, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, जो भी है भाई रट लो। ठीक है, अगला है कि व्हेन द फर्टिलिटी ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड इज इन द टू डायरेक्शंस द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज, बताओ भाई क्या है इसका आंसर? LHD। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोवा वॉज डिफाइंड बाय, बताइए। आर ए फिशर। ठीक है, रट लेना है भाई इसको, कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे कोई ट्रिक बता दो, कुछ कर दो, नहीं भाई, इसको आर ए फिशर। एनोवा दिखे, चमकना चाहिए। आर ए फिशर, फिशर से क्या है? फिश। एनोवा क्या है? फीमेल लग रही है, तो क्या ये मछली? ऐसे रटा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, क्या होता है? वेरियंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस होता है, या फिर मीन डेविएंस होता है? क्या होता है? वेरियंस होता है। चलिए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग यूज ऑफ ग्रेटर होमोजेनिटी इन द ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर, क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? लोकल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगला बताइए। मोस्ट ऑफ द व्हीट वेराइटीज आर, सॉरी, मोस्ट ऑफ द व्हीट वेराइटीज आर क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है, या फिर शॉर्ट डे प्लांट होता है, बताइए। इसका आंसर क्या है? क्वालिटी वाइज होता है वो लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, क्वांटिटी वाइज नहीं, ये तो आपको मारना ही नहीं था। क्वांटिटी वाइज इसका आंसर क्या है? क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट। राइस ग्रेन किस चीज में डेफिशिएंट होता है? लाइसिन, एसोलाइसिन, एलानिन, या फिर ग्लाइसिन? राइस ग्रेन जो है आपको लाइसिन में डेफिशिएंट होता है। चलिए आगे करते हैं कि एन आइडियल टाइप ऑफ राइस विद स्मॉल थिक एंड इरेक्ट लीफ वाज प्रपोज्ड बाय, कौन दिया था भाई? योशीदा दिया था। ठीक है, चलिए लास्ट 4-5 क्वेश्चन बाकी है। बोनेविल, अर्ली बैजर, आर्केल, और किसका वैरायटी? ये सारे किसके वैरायटी हैं? ये सारे वैरायटी हैं आपको पीज के। पीज का बताइए साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए बताता हूँ, जीजे मंडल ने काम किया था। कौन सा लॉ दिया जीजे मंडल ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने किया था भाई? तो किया था आपको जॉन्स, डीएफ जॉन्स। लास्ट 2 क्वेश्चन। मैट नर्सरी इज रिलेटेड टू राइस, आजकल बड़ा चल रहा है, आप लोग देखते होंगे न्यूज में, SRI टेक्निक। SRI डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस, पता नहीं क्या बोलते हैं, DSR टेक्निक या SRI टेक्निक, कुछ तो बोलते हैं, आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है वो। चलिए इसका देखते हैं, मैट नर्सरी किससे रिलेटेड है? राइस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। द क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूजेज, बताइए। इसका
इसका आंसर क्या है, कॉटन। इसके बारे में आपने न्यूज में पढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया अपन ने, इतना ज्यादा केमिकल यूज किया, अब वहां की जमीन हो चुकी है बंजर लगभग लगभग। तो वहां पे आप न्यूज में देखते होंगे बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी उपज ही नहीं हो रही है। इसीलिए हमें धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। चलिए, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। 30 क्वेश्चन फिर आएंगे आपके लिए, ऐसे ही आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई और भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको शेयर कीजिए जरूर। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, अपने आप अपने पास बचा के नहीं रखना उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।